अस्सलामुअलैकुम कैसे आप सब? तो पकड़ो ना जरा, वहां से पकड़ो ना जरा, मुझे भी चैन से बैठने दे दिया करो कभी कभी। मुझे भी मन करता है कि मैं आराम से बैठूं और बात करूं ऐसा। हाँ तो अब ये कब तक पकड़ेगा मुझे नहीं मालूम। हाँ तो जी, आप लोगों ने कल का व्लॉग देखा, आप लोगों ने वो वीडियो देखा और सारी चीजें हम लोगों ने उसमें पूरी तरह से क्लियर बताई है, ए टू जेड। जो भी फर्स्ट डे हमारी बात हुई थी और दूसरे दिन भी जो बात हुई थी वो आप लोगों को पूरा उसमें बता दिया गया था। बट मैंने सजेशन पूछा था आप लोगों से कि कारपेट रखना है या नहीं रखना है। वैसे तो हम लोगों का इरादा बिल्कुल भी नहीं था वो कारपेट रखने का, बट लेकिन वो बंदे वो एजेंट यही बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वेस्ट हो, हमने पैसा लगा के वो लाया है तो पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो इसको रहन देते। तो मैंने इससे बोल दिया उनको कि अगर समझो आप लगा दो फिनिशिंग से जो जैसा आप करना चाहते हो, बट अगर समझो कुछ दिन के बाद वो वापस सेटल नहीं, वो अपने नहीं बैठा तो हम उसको निकाल देंगे, चलेगा क्या? तो उन्होंने बोले हाँ ठीक है, अगर नहीं जम एकदम भद्दा लगेगा तो आप निकाल देना, ऐसी बात। तो ये इनको जाके दिखाया भी उन्होंने कि आके देख लो, एक काम करो। और एक्चुअली उन्होंने तीन काम बोला था उन लोगों को, तीन काम करके दे दो, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कारपेट पे बबल था, वो तो चलो या तो ठीक करो या तो निकालो वाली बात थी। इसने बोला कि 8-10 दिन में अपने आप चल जाते हैं, नॉर्मल से ऐसा बोलने की बात रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे एयर जमा हो जाती है ना, कारपेट हो या ये दरवाजे का ये जो होता है ना, ये हो, इसमें एयर अगर एक थोड़ा आ गई ना तो वो बढ़ती रहती है, कम नहीं होती है। और निकालने की भी बात जो कारपेट की हुई ना, तो जब इन्होंने बोला था ना मैं कारपेट अगर नहीं जमेगा तो 8-10 दिन के बाद निकालूंगा, तो निकाल दूंगा और तुमको फोल्ड करके दे दूंगा, हम लोग को नहीं चाहिए तुम्हारा कारपेट। तो एजेंट बोल रहे थे अच्छा मुझे अच्छे से फोल्ड करके देना। तो जो कारपेट लगाने वाले भाई है ना वो क्लियर बोलते हैं कि जब ये निकालेंगे तो ये अखा नहीं फटफट के निकले, पूरा फटफट के निकले, गम नहीं लगा, पहले सिर्फ कोने में गम लगाया था लोग ने, अभी पूरा नीचे पेस्टिंग करके गम लगा रहे हैं। तो अब वो जब खुद ऐसा बोल रहे तो मैं बोली जान दो, अभी जब अभी भी निकालेंगे तो फटफट के निकलेगा, तो रहने देते 8-10 दिन अगर अपने को जमा तो लंबा टाइम तक के रखेंगे, अपने आप तो वजह नहीं कूटने, तो फिर निकाल देंगे, किसी का भी नुकसान क्या करने। सेकंड ऑप्शन हम लोग ने बोल्टी बोल के रखा है, अभी भी तो निकालेंगे तो फटफट के निकलेगा वो बोल रहे हैं, है ना, अभी लगा दे मतलब। हाँ, उन्होंने बीच का एक थोड़ा सा हिस्सा खोल के दिखाया वापस से ठीक करने के लिए, वो अभी आप लोग आगे वीडियो देखना। तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने दो तीन काम उनको बोला था, एक क्लीनिंग का और एक जो किचन देखा होगा आपने, किचन पूरा किचन मतलब वो एक नाम का किचन है, सिर्फ काउंटर टॉप बना हुआ था वहाँ पे ना, आपको किचन काउंटर टॉप के नीचे शेल्फ दिखेगी, कुछ भी मसाले के डब्बे रखने हैं या कुछ भी रखने, बर्तन रखने, ना तो ऊपर आपको कोई शेल्फ दिखेगी, ना ही आपको कोई ड्रॉर दिख रहे, मतलब कुछ नहीं। एक चाली वाले रूम में भी अगर अपन अच्छा मतलब एक घर समझते किसको जहाँ पे प्रॉपर किचन हो, और प्रॉपर किचन का मतलब डोर लगाना या मॉड्यूलर किचन करने को नहीं बोलते अपन। प्रॉपर किचन के अंदर एक काउंटर टॉप होता है, एक शेल्फ, दो शेल्फ होती है, नॉर्मली दो शेल्फ तो होती है लोगों की। मैं कह रहा हूं आपको तकलीफ हो रही है एक्चुअली, क्योंकि ना सही बोल कैसे, मैं लेफ्टी हूं और मैं दारिन से कैमरा पकड़ा, फोन पकड़ा, तो मेरे को वो मैं यहां से पकड़ता हूं, ठीक है काट के लो। हाँ, तो अब जगह चेंज हो गई, तो मैं क्या भूल गई, काउंटर टॉप गली का घर का। हाँ देखो, कोई भी घर हो, छोटा सा घर हो, घर एक आशियाना होता है, घर एक सपना होता है, घर एक अरमान होता है, रेंट का हो या भाड़े का हो या मैं मतलब खुद का हो, घर तो घर होता है। किचन कंप्लीट होता है शेल्फ से जहाँ पे बर्तन रखो या मसाले के डब्बे लगाओ, स्टैंड से और नीचे शेल्फ से, खाली एक काउंटर टॉप बना कर वो किचन कंप्लीट नहीं होता है, जिसपे काउंटर गैस आ जाए सिर्फ। हाँ तो मैं बहुत बताता हूँ, उसने जो अपने काम कराया मतलब, तो दो मिनट मेरे को कंप्लीट तो करना था, मैं तो आधी अधूरी बात हो जाती ना, तो फिर किचन मैं ये बोल रही हूँ खाली किचन काउंटर टॉप और इसको ही किचन नहीं बोलते, कुछ कुछ किचन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे काउंटर टॉप वगैरह कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चूल्हा नीचे जमीन पे बनाया जाता है प्यारा सा, लेकिन वहां पे भी उसको किचन बनाने के लिए लोग पल्लियों का यूज करते हैं, प्लाई का, बर्तन रखने के लिए। हाँ तो यहाँ पे हाई लेवल और लो लेवल या अमीरी गरीबी नहीं आ रही, किचन किचन होता है, लेकिन किचन में बर्तन रखने की जगह होनी चाहिए, मेरा बोलने का मतलब वो है। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने बोली उनको रिक्वेस्ट की थी कि एक शेल्फ तो लगा के दे दो आप, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है बिल्कुल भी, कहाँ मैं सामान रखूंगी, बर्तन रखने की जगह नहीं, सही बात है, तो कहाँ मैं सामान रखूंगी। तो उन्होंने एक ही शेल्फ लगा के दिया ऊपर, एक बोले तो एक शेल्फ लग गई, मैं बोली किचन के नीचे तो लगाओ, बीच में जो होता है काउंटर टॉप। मालिक बोलता है नहीं अभी मेरी रूम मालिक से बात हुई, बोला रूम मालिक, हम लोग तो अभी तक रूम मालिक को देखे भी नहीं, वो एजेंट रूम मालिक को मिला ही नहीं रहे, रूम मालिक इतना बिजी है, वो सिर्फ एक ही चीज बोलते, मैं ही घर का करता हूं, कि ये अग्रीमेंट के टाइम भी वो आएगा कि नहीं पता नहीं,
बोलते मैं ही घर का करता धरता हूँ, मेरे ही हाथ में चाबी है 20 साल से, मैं ही हूँ सब कुछ, मैं ही हूँ सब कुछ। टोकन भी हम लोग ने एजेंट को ही दिया है, रूम मालिक से अभी तक मिले नहीं। वो बोलते कि ना एग्रीमेंट बनाने के टाइम पे रूम मालिक आएगा। अब मैंने इनको क्लियर बोल दिया, जब तक ओनर से मुलाकात होगी नहीं तब तक के कोई एग्रीमेंट पे साइन नहीं होगा। अगर दिमाग चलाया गया कि आप साइन कर दो बाद में ओनर से साइन लेके हम दे देंगे, नहीं भाई, ओनर से पहले मुलाकात होती है, बट उन्होंने अभी तक मुलाकात कराया नहीं। लेकिन अभी देखते कराते, हम लोग ने तो सोच के रखा है कि करने दो लोगों को साफ सफाई सब कुछ करने दो, लेकिन ओनर को तो पहले मिलेंगे ही ना भाई हम लोग। वो नहीं मिला रहे, क्यों नहीं मिला रहे पता नहीं, बहुत ज्यादा बिजी है लगता है ओनर, हो सकता है उनका कोई मसला होगा, लेकिन उनके मसले के चक्कर में हम क्यों सरवाइव करेंगे, हम थोड़ी ना जानते ना कौन है क्या है। हम जानना जरूरी है क्योंकि हमारा भी एक बड़ा अमाउंट रहने वाला है ओनर के पास, एजेंट के पास नहीं रहता है, डिपॉजिट के नाम पे एक अमाउंट ओनर के पास होता है, तो ओनर को तो हम मिलेंगे ही। तो अभी आपकी बात, हाँ क्या बोल रहे थे वो बोलो। नहीं तो पता चल, किचन के नीचे जो थोड़ा सा छोड़ा था कारपेट लगाना, जो काउंटर टॉप था उसके नीचे उसने कारपेट लगाना छोड़ दिया था, उसने बोला है कि मैं वो भी लगा दूंगा, लेकिन किचन एक जैसा लगे करके, तब जाके देखूंगा मैं, कल शायद जाके देखता हूँ मैं लगाया कि नहीं। ठीक है, तो उन्होंने और एक दो पली लगाया अपना, जो पता है वॉशरूम है, वॉश बेसिन मुझे करना पड़ेगा, या तो एक बड़ा सा स्टैंड लेके वहाँ पे फिक्स करना ही पड़ेगा। स्टैंड तो देखो मेरा पास तो हमेशा से था और मैं हमेशा ही लगाती हूँ, तो इस टाइम भी एक बड़ा सा स्टैंड लेना पड़ेगा और लगाना पड़ेगा बर्तनों के लिए। और किचन के अंदर थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जहाँ स्टैंड आने वाला वही एक जगह है जहाँ पे फ्रिज भी रख सकते हैं और स्टैंड भी कर, मतलब दोनों में तो कोई भी एक चीज कर सकते हैं। देखिए वहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लग ही जाएगा। है तो जगह इतनी बड़ी, लेकिन प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करूं वो हो जाएगा, डोंट वरी, जितना से उतना अच्छे तरीके से उसको बनाएंगे। हाँ। आप भी अच्छा लगे, हम लोग भी रहना है खुद, ताकि हम लोग भी अच्छा लगे वो चीज। ठीक है, और दूसरी बात, क्लीनिंग अभी हुई नहीं है, क्लीनिंग करने बोली थी, मेरे लोगों को क्लीनिंग करने बोली थी, मेरे को भी पता है किचन बाथरूम इतना गंदा था ना, बाथरूम को देख के मैंने, अच्छा बेडरूम वाले बाथरूम को देख के मैं तुमको क्या बोल रही थी, वो साफ अच्छा, मुझे डर लग रहा है, मुझे पहले मेरी बात भी नहीं तुम कम्प्लीट करते यार, पूरा सीक्रेट पहले खोल देते, जाओ मुझे नहीं बनाना व्लॉग, मैं नहीं बना रही, नहीं 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 बना रही व्लॉग, वही भाई जान ना तुम्हारे व्लॉग नहीं बना सकते, पता है तुम्हारे भाई जो ने एक मिनट के अंदर पूरा ब्लॉग सुना सकते हैं आप लोगों को। शॉर्ट बात करता हूं, नहीं मैं नहीं बना रही हूं ब्लॉग आने तो क्या। अच्छा बोल बोल इधर पकड़ पकड़। क्या हुआ पता है, मैं बोली मेरे को है ना बेडरूम का जो वो जो बेडरूम का जो बाथरूम है ना वो देख के मुझे भी डर लग रहा था, मुझे भूतिया सपने भी आ रहे थे सच्ची में, इतना गंदा था। किचन और बाथरूम क्लीन रहना ही चाहिए मुझे पता है, तो मैंने बोली थी क्लीन करने के लिए। अब बाथरूम का दरवाजा तो इतना गंदा था कि बाथरूम का दरवाजा उन लोगों ने वो किए कलर ही कर डाले साफ करने बोली थी, लोग ने दिमाग लगाया, बोले कि ना तुम कलर वाले को रखेंगे ना, तुम कलर कराएंगे ना तो वो साफ कर देंगे, क्योंकि कलर कराने कैसे होता है, भाड़े पे जाएंगे ना तो या तो रूम मालिक कलर करके देता है, हाँ तो फिर जाने के टाइम पे अपन कलर कराते, फिर अगर वो बोलेगा या तो तुम आ रहे हो तो तुम खुद कलर करा लो, जाने के टाइम पे मत कराना। तो लोग ना सफाई के लिए बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे सफाई के लिए, कि सफाई तुम देख लो, बोले कलर वाले को बुलाएंगे ना तो वो खुद ही सफाई कर देगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो हम लोग खुद डीप क्लीनिंग करेंगे, कोई कलर वाले के भरोसे पे नहीं रहने वाले, वो कैसे सफाई करेगा कैसे नहीं, तुम पहले अपनी तरफ से एक नॉर्मल क्लीनिंग करके दो हमको, क्योंकि बहुत गंदा है, उसके बाद हम लोग डीप क्लीनिंग कर लेंगे, उसके बाद कलर वाला आएगा कलर करा के जाएगा, उसके बाद सेकंड क्लीनिंग थर्ड क्लीनिंग जितनी भी क्लीनिंग जरूरी है हम लोग कर लेंगे। बट लोग कितना भी कलर साफ करे, कितना भी साफ कर ले साफ करे, हमारे तरीके से साफ नहीं कर सकते, जिसे हम लोग को रहने का, तो हम लोग एक बार खुद से साफ करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए खुद के हिसाब से। तो लोगों ने दिमाग चला दिया, वो जितने गंदे गंदे दरवाजे थे सबको लोगों ने एक कलर कर दिए, बोले गंदगी चुभ जाएगी, अब उस पे भी एक हाथ मारना पड़ेगा, हम लोग करेंगे कलर की, उनके भरोसे पे नहीं रहेंगे, उनको साफ करने बोले तो उन्होंने अपनी मर्जी से कलर कर डाले। तो एक हाथ मारने भी वो हल्का मतलब ना दिखता है, मतलब जो अंदर की जो गंदगी रहती है ना वो एक लेयर के ऊपर दिखती है कहीं कहीं पे, तो एक बार हाथ मारेंगे तो एकदम प्योर व्हाइट हो जाएगा, अच्छा दिखेगा वो। बराबर, तो बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग सब अभी बाकी है, आप लोग वीडियो देखो। एक्चुअली मैं नहीं गई थी कल आपके भाईजान खुद गए थे देखने के लिए, तो मेरे लिए उन्होंने वीडियो बनाया कि वहाँ क्या काम चल रहा है, क्या लादी लगा है, क्या क्लीनिंग हुई, तो वो वीडियो मेरे पास आया था, तो वो मैं ये वीडियो के बाद इंशाल्लाह आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा देखने रूम का ना, वो शायद थोड़ा अच्छे तरीके में देखने के लिए आएगा, क्योंकि इसके अभी जो रूम तो वो क्या बोलते काम चल रहा था तो मैंने किया, इसके बाद वो लोग जब क्लीनिंग कराएंगे तो उसके बाद का वीडियो अलग है, थोड़ा साफ सुथरा घर दिखेगा,
उसके बाद और अच्छा अगर देखे जब हम लोग साफ सफाई करेंगे तब इंशाल्लाह बोलते जिसको इंशाल्लाह तो आप लोग वो वीडियो देखो। अच्छा और ये ना आपके भाईजान वाली बात बोली ना मेरी बना रही वीडियो मेरी बना रही क्यों बोली बताए। अरे आपके भाईजान ने शॉर्टकट पे खत्म कर डालते हैं आप लोगों को वो शॉर्टकट के आगे की भी बात समझती नहीं पीछे की भी बात समझती नहीं। अब मेरे दिल में अभी सब लोग बोल रहे हम लोग आप लोगों ने ना वो वीडियो देखे ना बोले शीतक गंदे वॉशरूम देख के तो हम लोग कभी कदम ही ना रखे हो घर के अंदर तो वैसी हाल मेरा भी था बट मेरे को मालूम है अपन जाएंगे तो अपन साफ कर देंगे है ना बाबू हम लोग को मालूम है हम लोग जाएंगे। ये घर देख कैसे हम लोग आए थे ये तो खंडर था मतलब कुछ भी बना नहीं था सब पसरा पड़ा हुआ था लादी टुकड़े घास फूस सब था घर के अंदर दूसरों के घर के बाथरूम के कमबोर्ड पड़े हुए थे। आज की डेट में पूरे बिल्डिंग में सबसे सही बात है जितने घर देखी सब में लीकेज का प्रॉब्लम गंदगी की फफूंद की काई की प्रॉब्लम टूटम टाटी की प्रॉब्लम सबसे अच्छा माशाल्लाह रूम अपना अपने हक से बोल सकते भाई तो ऐसा है होएगा थोड़ा बहुत अपना भी तो लेकिन फिर भी सबसे दूसरे से तो माशाल्लाह अच्छा ही है क्योंकि जितने रूम मैंने एज अ कमेटी मेंबर जाके आप लोग ने जो तहकीकात किए थे तो ऐसा है सब लोग सबके कुछ ना कुछ मसला था भाई यहाँ मसला है वहाँ मसला ये लीकेज ये दीवार फफूंद लग रही है खराब ये वो बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में सब कुछ भी नहीं है अल्लाह करम से बहुत क्या हमने जो काम कराया था ना बहुत तरीके से कराए थे और रुक रुक के कराए थे ऐसे नहीं कि बस फटाफट थूक पटेला काम नहीं किया था बहुत टाइम लिया था हम लोग ने आप लोग ब्लॉग में देखा रहे बहुत टाइम लेके हमने घर को सजाया था इसके लिए शायद अभी तक मेंटेन है अभी भी माशाल्लाह है बाबा माशाल्लाह है माशाल्लाह है अभी बर्तन धोने जाने में तो जा रहा हूँ कहा जा रहे यार तुम अभी हम लोग को चेयरमैन सेक्रेटरी से मिलना है एग्रीमेंट बनाना है और एग्रीमेंट बनाने के बाद फिर हम लोग ही कलर कराएंगे उसको तो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ तो शेयर करेंगे देखो आप लोग तो ऐसा है क्योंकि सेकंड फैमिली हम लोग की वाईटी फैमिली जितना बता सकते बता ही देंगे चलिए आप लोगों के सजेशन बहुत मैटर करते हैं ऐसी प्यार बनाए रखिए अल्लाह हाफिज आप लोग आगे वीडियो कंप्लीट करो हम लोग अल्लाह हाफिज कर दे रहे बस अभी ठीक है और इसमें ना आगे दो तीन वीडियो की क्लिप्स ऐड करूंगी दो दिन पहले शूट किया था शेरू भी आया था उज्मा की भी मस्ती है तो वॉच कर लेना तब तक के लिए अल्लाह हाफिज माय बाय टेक केयर दुआ में याद रखना और मैं कैसे बता देना एक बार बता आपके भाईजान ने ना नया कपड़ा पहने वो गिफ्ट वाला पीछे जाओ बाबू आज मैं काम पे गया था इसे हाँ तो अच्छे लग रहे गए तो अच्छी बात है पीछे जाओ ना जरा पैंट के साथ दिखाओ ना ये देखो पहने थे जुम्मा है ना जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक जुम्मा मुबारक अच्छे लग रहे माशाल्लाह चलो वीडियो लंबा हो गया आप लोग वॉच कीजिए ये वही ये हो गया ला हाँ फिर भी चुन दिख रही बहुत ये भी हो गया है कि बाकी है उधर का हो गया क्या है ये देखिए ये सेल्फ लगा उन लोगों ने ग्रेनाइट पूरा वहाँ तलक ठीक है और यहाँ भी लोग लगा दिए दो ये नहीं था ना पहले ये दो लगाए और दरवाजे को कलर किया देखिए इस तरह कलर कर दिया ताकि जो गंदगी लग रही थी वो नहीं दिखेगी अब फ़ोन में इतना साफ नहीं दिख रहा लेकिन सामने से ज़्यादा अच्छा दिखे जैसा फ़ोन में दिख रहा है ना उससे ज़्यादा अच्छे दिख रहा है बाहर ये दूसरा वाला बेडरूम है जो सबसे गंदा वाला था ये बहुत गंदा था ना ये देख ये घर की रौनक देख तो इतना शाम के टाइम में अंधेरे में और ये हॉल में देख दूसरा बेडरूम है ये हॉल की रौनक देखना
उज्मा तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हारा कुछ तो सामान आया क्या? मेरे दो और नाइट सूट, दो नाइट सूट आ गए हैं। खोल के तो देखो, आ गया पापा फाइनली उज्मा का नाइट सूट, जो दो आने वाला था दोपहर में ही आ गया था। दोपहर में खोल के देखी थी, अभी ये पूरा खोल के चेक करेगी और कौन सा पहनना है खुद ही डिसाइड कर लेगी आज। कल आपको वीडियो में बोल रही थी ना मेरे दो नाइट सूट आने वाले, लेकिन एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया, एक भी नहीं आया। अभी आ गया, अभी क्या, कौन सा पहनेंगे अभी? ये देखो एक पे ना ये वाला प्रिंट है, रुक जाओ मैं बताती हूँ। एक व्हाइट कलर का है ये, इस पे मल्टी कलर के डिस्टी फ्लावर दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, छोटी छोटी सी बटरफ्लाई भी है इसके ऊपर। और एक है ये वाला नाइट सूट जिसके ऊपर हार्ट बने हुए है पिंक और रेड कलर के। बाबू तुमने तो देखा ही नहीं, कल उज्मा ने तुम्हारा पूरा देखी ना ड्रायन। तो एक ये वाला है, देखो साइज भी एकदम मस्त है, ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम छोटा रहेगा। अभी पहनाऊंगी शायद उसको, मैं पहनाया नहीं अभी तक के, तो पहना कर देखूंगी तो शायद आप लोगों को साथ शेयर करूंगी, ठीक है। ये देखो एक ये है, ये मस्त सी ग्रीन कलर है, सी ग्रीन पे रेड कलर की लाइनिंग दी गई है और छोटे छोटे से हार्ट। अभी कौन सा पहनेंगी बेटा? अभी दोनों ही अच्छे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ, 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 क्या सच्ची में दोनों ही अच्छे, इसके लिए कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर भी कोई कल से तो बोल रही ना कुछ तो पहनेगी, कुछ तो पहनेगी। मैं ये दिल वाला पहनती हूँ, एक काम करती हूँ। दिल वाला बहुत अच्छा लग रहा है पक्का, और दोनों ही ज्यादा अच्छा लग रहा, पर समझ नहीं आ रहा। चूज कर लिया। तो उज्मा के पास हो गया अभी टोटल 4 नाइट सूट। एक दो... है ऑरेंज, नहीं ये तो ऑरेंज ब्राउन लगता है, तो ब्राउन ब्लू, अरे ये तो ग्रीन जैसा है ना। हाँ ये फिरोजी, और ये वाइट, नहीं रंग बिरंगा रेनबो ही। अच्छा तो उज्मा के पास दो फुल स्लीव वाले हो गए हैं और दो हाफ स्लीव वाले हो गए। हाफ स्लीव वाला इसलिए मंगाई इस बार क्योंकि अभी गर्मियां आने वाली है, तो उसके लिए ठीक रहेगा, वेरी कंफर्टेबल है, यू नो, है ना उच्चो? तो ऐसा है। वो देखो ये आए पहलवान हल्क। उज्मा को बहुत शर्म आ रही है, उसके अब चड्डी पहने दो, चड्डा पहने दो। आने दे ना। वो अपने अब्बा को जब से दुकान भी नहीं जाने दे रही, पता है बोली बाहर जाना है तो ये चड्डा निकाल के पैंट पहन के जाओ। बाबू लाइट चालू करो ना, हटो उज्मा हट। उज्मा को शर्म आ रही है, मेरे अब्बा को ऐसे मत दिखाओ। रात के बज रहे 12:15 और मेरे को अभी याद है उसका नाइट सूट के, वो नाइट सूट करके रो रही थी वीडियो के अंदर। आप लोग बोलेंगे नाजिया क्या हुआ, बच्ची को दिलाए कि नहीं नाइट सूट, तो बताने के लिए मैंने सच में ऑर्डर दिया था, लेकिन आने में थोड़ा लेट हुआ उसका वीडियो नाइट सूट। लेकिन आज 14 फेब है, आ गया 14 फेब को। क्या बोले, लाइट चालू करो। चलो कपड़ा बदल के दिखा दो, चलो बस हो गया, आ जाओ आओ जल्दी पहन के दिखा दो, कोई भी एक पहन लो। चलो जब से कैमरे में पता नहीं क्या लगा था, धुंधला लग रहा था, अब परफेक्ट दिख रहा है, देखो ना, जब से धुंधला दिख रहा था। हाँ नहीं तो क्या, ये देखो हल्क। ओ जाओ दुकान जाओ, जल्दी जाओ, मच्छर की अगरबत्ती लेके आओ। अभी एक्टिंग कर रही है उज्मा, अभी ज्यादा हो गया उज्मा। 12 बज रहा, आप सोने का, चल पहनने का पहन, नहीं तो मैं उठा के रख रही वही कपड़े में, सो जा। आ जाए जरा, कोई भी एक बता, मैं जल्दी पहना दू। हाँ पहन ले, जल्दी पहन ले, पहन ले, पहन ले। कैसे
कैसी लग रही है? अच्छा तू बता कैसी दिख रही पहले, पहले दूर जा, उधर जा, वो लकड़े पे खड़े रहे, वो लकड़े पे खड़े हो जा, हाँ हाँ ऐसे, बाल थोड़ा पीछे कर, बाल पीछे, पूरे गर्दन में से पीछे करना चाहिए, हाँ बाल गर्दन में से पूरे पीछे, हाँ हाथ नीचे करो, हाँ थोड़ा कॉलर सही करो, कॉलर सही करो, बहुत खुला है, बहुत खुला है थोड़ा, हाँ ऐसा, हाँ छोड़ दो छोड़ दो, हाँ कपड़ा थोड़ा नीचे से खींचो खींचो, हाँ बस दैट्स इट। कैसी लग रही बाबू सच्ची? उसमें पीछे घूमो, छोड़ दे वो कपड़ा, छोड़ दे पीछे का बता दे, ये देखो अभी ये साल भी पहन सकती है वो, मतलब पहन सकती है लॉन्ग टाइम तक के, क्योंकि लूज भी है और पैंट भी अच्छी खासी थोड़ी सी लंबी है, एक फोल्ड मार दिया ऑलरेडी, और उसके हर नाइट सूट में एक फोल्ड मारना पड़ता है, 5 to 6 ईयर का एज का है, लेकिन फिर भी थोड़ा बड़ा ही आता है नाइट सूट, कंफर्टेबल है ना जो? उसमें तुझे कैसे लगा बेटा? कैसे लगा? मस्त ना, गर्मी के लिए बहुत अच्छा है ना, बेस्ट है ना, मैं और मंगाऊंगी इंशाल्लाह। नाइट सूट बहुत स्मार्ट लगती है, बहुत मस्त लगती है, चूटी क्या बोले? नाइट सूट बहुत मस्त लगती है मैचिंग के। अरे नंगे बाल। और मंगा लूं क्या? हां मैं। ज्यादा महंगा नहीं है माशाल्लाह से, 500 समथिंग का कुछ एक है। नहीं बात देखते हैं। 500 समथिंग का कुछ एक जोड़ा है उसका। तो आप लोगों को इसकी लिंक चाहिए रहेगी ना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग मंगा सकते हैं, इसमें और भी बहुत सारे कलर है, ऑरेंज ब्लैक ब्लू, तो आप मंगा सकते हो। चलिए फिर, ये था मुझे शेयर करना था, इसलिए मैंने ये बीच में ऐड कर दिया। वालेकुम अस्सलाम। मैं तेरे को याद ही कर रही थी रे, अभी एडिटिंग कर रही थी तो ब्लॉग को। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है रे बाबा? अच्छी है ना? और मैं, तू कैसा है? मैं ठीक नहीं हूँ। वो बाथरूम में से परेशान है, कौन आया कौन आया कौन आया, ये सब सलाम करो बेटे। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, आ रही उज़्मा, रुक आ रही आ रही। क्या बोलियो? क्या लो यूसुफ, सब खैरियत? यूसुफ इसमें देख कितना बड़ा बड़ा दिखता है, देख मेरा अंगूठा देख कितना बड़ा हो गया, ऐसे में देख छोटा है, ऐसे में देख कितना बड़ा है, अरे आगे नहीं पीछे से ऐसा डालने का और आगे से देखने का भाई, ये वाले हाथ देख, देख ये देख, पैसा देख, पैसा देख कितना बड़ा, अरे बाप रे बाप रे, क्या बात है भाई, बड़ा वाला पैसा तेरे पास, हाथ देख कितना बड़ा हो गया यूसुफ का, अरे हाँ रे है ना जादू। अच्छा यूसुफ क्या बोलते नूर, सब खैरियत? क्या हो रहा है हॉस्पिटल में, क्या हुआ क्या नीचे का? ये वाला ये देख इधर से चला गया, ये देख अभी चाबी देख दिखा तो पर, अच्छा पक्की चाबी की एकदम बड़ी है। ओ बाबू ला ना दूध को, दूध और कॉफी ले ना, अल्लाह रुक आओ आओ कुछ और नूर। अरे मैं वीडियो ही नहीं बना पाती सच्ची में, जल्दी उसमें देख क्या बोल रहा भाई इधर। कभी कभी मुझे घर पर ना जाना भाई, हाँ आएंगे ना अब्बा के, उसके अब्बा लेके आएंगे ना, जैसे फ्री रहेंगे ना उसके अब्बा लेके आएंगे। कहता कि नहीं मैं ऐसे काम से आते आते। चलो गाइस बाय बाय, बाकी आओ, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, मैं आ रही, चल बाहर चल, मैं आ रही।